आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और आइंस्टीन ने क्या ड्राइव किया इसकी इक्वेशन से, वो देखते हैं जरा। बेसिकली आइंस्टीन ने अपना देखिए, सब लोगों ने बोला था कि जो लाइट है वो मैटर वेव है, लेकिन प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। तो आइंस्टीन ने ये कहा कि भाई न्यूटन न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से जो भी मैटर वेव होगी अकॉर्डिंग टू द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसके पास मास होना चाहिए, तभी मोमेंटम होगा, और जब मोमेंटम होगा तभी काइनेटिक एनर्जी होगी। आइंस्टीन ने जस्ट उल्टा कर दिया। आइंस्टीन ने कहा कि एनर्जी का हम नया फॉर्मूला बनाकर दे रहे हैं, और वो नया फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एच न्यू, मतलब एच इंटू एफ फ्रिक्वेंसी। आइंस्टीन ने यह बोला एच इंटू एफ, ठीक है, एच इंटू एफ नया फॉर्मूला है, और इस नए फॉर्मूले के हिसाब से आइंस्टीन ने यह बोला कि मोमेंटम कोई चीज हो सकती है। कैसे हो सकती है मोमेंटम, जरा देखें, क्योंकि हमें पता है कि मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल्स टू, अगर डायमेंशनली चेक करें तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, यही तो डायमेंशन बनेगी जाके मोमेंटम की। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है एच एफ, और वेलोसिटी फॉर्मूले से वेलोसिटी क्या होगा, लाइट की वेलोसिटी क्या होती है सी। तो मोमेंटम का एक नया फॉर्मूला बन गया एच न्यू अपॉन सी, जहां पर न्यू डिनोट होता है फ्रीक्वेंसी को, तो एच न्यू अपॉन सी क्या बन गया हमारे पास, मोमेंटम बन गया। ये मोमेंटम हम यूज कर सकते हैं। अब प्लैंक कांस्टेंट क्या हो गया, एच प्लैंक कांस्टेंट हो गया, इसकी ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये न्यू क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, और सी क्या हो गया लाइट की वेलोसिटी, जिसकी भी कांस्टेंट वैल्यू है। इसको फर्दर भी कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे जरा देखिए, व्हेन अ फोटोन फॉल ऑन अ मेटल इट ट्रांसफर्स होल एनर्जी एच न्यू, जो भी एच न्यू एनर्जी उसके पास है वो सबको ट्रांसफर कर देता टू वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल, और अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर देता है। अ पार्ट ऑफ एनर्जी यूज इन इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, जिसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो कि अभी मैंने बोला कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, दिस विल बी द वैल्यू। The electron which are ejected from within the metal, they expend some of their acquired energy in collision with the atom on their way to the surface. Now, that is only said कि एच न्यू क्या है, एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। यहां पर आ गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, दिस इज द सेम थिंग व्हिच आई हैव टोल्ड यू। तो ये आइंस्टीन का इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को फर्दर कैसे लिखा जा सकता है, और कैसे लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि अभी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा था, तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर ओवर हियर। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये क्या है, ई वी नॉट, क्या है, ई वी नॉट। तो ई क्या हो गया चार्ज, और वी नॉट क्या हो गया हमारे पास पोटेंशियल। सोचिए क्यू इंटू वी, ये भी तो एनर्जी हुई ना, कहां पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में आ गई एनर्जी, किसके टर्म में आ गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में। यहां पर काइनेटिक, अब देखिए जरा फॉर्मूला समझिएगा, हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू
माइनस एच न्यू नॉट, तो न्यू कॉमन ले लिया, अब एच कॉमन ले लिया और काइनेटिक एनर्जी के लिए जगह क्या लिख दिया, क्यू इन टू वी, ये वी जो है वो वोल्ट है, क्यू मतलब चार्ज। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्यू की जगह ई लिख सकते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो क्यू की जगह क्या लिख देंगे, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन ऑफ द आइंस्टीन। एनर्जी एंड मोमेंटम कन्वर्जन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यह है। सो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज जीरो बट काइनेटिक मास इज नॉट जीरो एंड फोटोन ट्रेवल्स विद इन स्पीड ऑफ सी। अब यहीं से एनर्जी ऑफ फोटोन को इक्वेवेलेंट किया गया और ई इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर को ड्राइव किया है, और मास काइनेटिक मास ऑफ फोटोन अगर निकालने के लिए कभी भी कहा जाएगा तो काइनेटिक मास ऑफ फोटोन निकालने का यही तरीका है आपके पास, देख लीजिए। काइनेटिक मास को फर्दर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई, क्या एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी, कैन बी टेकन एज लैम्डा, फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी कैन बी टेकन एज लैम्डा। और यहां पे मोमेंटम निकालने की बात की जाए तो मोमेंटम क्या हो जाता है, एम इंटू वी मतलब एच लैम्डा, दिस विल बी द मोमेंटम, ये मोमेंटम का नया फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा हमारे पास। तो आइंस्टीन इक्वेशन इस बात को बहुत ही क्लियरली स्टेट करती है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो किसके इक्विवेलेंट होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की। और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा कब, जब फॉलिंग एनर्जी की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, अगर ये वाली फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हुई तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं हुई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं हुई तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके बाद।